नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के तरफ से जो है 3 ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं 1 जून से। तो आज है 1 जून, तो आज से जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कुछ बदलाव किए गए है। तो अगर आप लोगों ने 31 जून से पहले इन बदलाव को, इन अपडेट्स को नहीं किया है, तो आपका जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सर्विस जो है वो परमानेंटली बंद हो जाएंगे। तो आपको जो है 31 जून से पहले अपने इन कुछ डॉक्यूमेंट्स पे, कुछ सर्विस पे जो है आपको अपडेट करना होगा। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा सर्विस है, वो जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है पूरा देखना होगा। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोग जो है अपने इन डॉक्यूमेंट्स को बंद होने से आप लोग रोक पाओगे। आज का ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड मैं आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग को वो अपडेट वगैरह करना है, क्या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सब कुछ मैं आप लोगों को ये इस वीडियो में टोटली बताऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर का खत्मा ना करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है वो है हमारे पैन कार्ड को लेकर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आप लोग जो है 31 जून से पहले आपको ये काम जो है वो करना होगा। अगर आप लोग 31 जून से पहले अपने पैन कार्ड पे आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड जो है वो परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो आपको जो है 31 जून से पहले आपको ये सब कुछ काम जो है वो करना होगा। तो आपको अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को कैसे लिंक करना है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फोन पे किसी भी एक ब्राउजर को जो यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च बार पे आपको सर्च करना है ई फिलिंग। तो आपको सिंपली ई फिलिंग लिख के यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे, करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिख रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इनकम टैक्स वाला जो वेबसाइट है इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पैन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई पैन स्टेटस के ऑप्शन पे जो है सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपका थोड़ा लोडिंग लेगा। तो कुछ देर लोडिंग करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर होता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको सिंपली दे देना है। तो पैन कार्ड का नंबर दे देने के बाद अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो अपना नाम जो है पैन कार्ड पे जो नेम है वो आपको यहाँ पे फुल नेम जो है वो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है। तो यहाँ पर अपना नाम लिख देने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पे लिख देना है। तो डेट ऑफ बर्थ लिख देने के बाद इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो भी यहाँ पर आपको दे देना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह दे देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है तो आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो आपको क्या करना है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको सिंपली फिल कर देना है। ओटीपी को फिल कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो वैलिडेट का ऑप्शन है तो आपको सिंपली वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो शो होने लगेगा। यहाँ पर लिखा है पेन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नॉट एज पर पेन। तो यहाँ पर जो मेरा पेन है वो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह है वो मतलब सब कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो आपका अगर यहाँ पे जो है, अगर आपका पेन एक्टिव है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दिखाएगा आपका पेन एक्टिव है। यहाँ पर मेरा थोड़ा अलग है, मेरा जो है डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ सही नहीं है। और अगर आपका जो है यहाँ पे पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है दिखाएगा कि आपका ये जो डीएक्टिवेट है आपका लिंक नहीं है, ऐसा कुछ लिखा आएगा। तो फिलहाल अभी देख सकते हो यहाँ पे चेक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो यहाँ पर बैक हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक आधार का। तो आपको सिंपली लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद ये यहाँ पर दोबारा ऐसा लोडिंग होगा। तो इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट जो है वो निकल के आ जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ पे आप लोग सब कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, यहाँ पे ये जो इसके बारे में क्या क्या बताया गया है तो ये सब देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज है, अगर आप लोगों ने 31 जून से पहले अपने यहाँ पर जो है पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो इसके बाद अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पे आपको जो पैसे देने पड़ेंगे 1000 रुपीज करके आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड का नंबर जो है वो दोबारा आपको यहाँ पर जो है दे देना है। तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड को मतलब यहाँ पर नंबर दे देने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी यहाँ पे आपको दे देना है। तो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का नंबर दे देने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे आपको एक वैलिडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो जैसे आप लोग ऐसे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि लिखा रहा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। तो मेरा यहाँ पे जो ऑलरेडी आधार कार्ड के साथ जो है पैन कार्ड वो लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं है तो ऐसे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो ये था पहला अपडेट। तो अभी चलिए मैं आप लोग को दूसरा जो अपडेट है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा अपडेट जो है वो ये है कि आपको जो है 31 जून से पहले अपने आधार कार्ड पर जो है आपका एड्रेस प्रूफ जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा। आप अगर आप लोग 31 जून से पहले अपने आधार कार्ड पे अपने एड्रेस प्रूफ को अपडेट नहीं करते हो तो आपका जो आधार कार्ड है वो भी बंद हो सकता है। तो आपको जो है फटाफट 31 जून से पहले जो आपको ये सब कुछ काम कर लेना है। तो अगर आप लोग को पता नहीं है कि आधार कार्ड पर एड्रेस प्रूफ को कैसे अपडेट करते हैं तो उसके लिए मैंने जो एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो वीडियो देखकर आप लोग जो अपने आधार कार्ड पे एड्रेस प्रूफ जो है उसको अपडेट कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो अगर आप लोग ये एड्रेस प्रूफ को अपडेट कर देते हो 31 जून से पहले तो आपका जो आधार कार्ड है वो जो है बंद होने से बच जाएगा। तो अभी चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को फटाफट जो है तीसरा वाला जो अपडेट है उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो तीसरा अपडेट यह है कि अगर आपका किसी भी बैंक पे कोई अकाउंट है एंड अगर आप लोगों ने अभी तक अपने उस बैंक अकाउंट पे जो है केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको जो है 31 जून से पहले आपको जो है अपने बैंक अकाउंट का जो केवाईसी कराना ही पड़ेगा। अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं कराते हो 31 जून से पहले तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। एंड ये जो केवाईसी है ये अभी भी नया आया है 1 जून से लेकर 31 जून तक। तो ये जो है अभी नया आया है, सबको जो है अपना केवाईसी जो वो कराना ही पड़ेगा। तो वो जो केवाईसी है, बैंक अकाउंट का केवाईसी है, वो जो है आप लोग घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है बैंक का ब्रांच पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग घर बैठे बैठे बहुत ही इजीली अपने मोबाइल फोन की मदद से कर सकते हो। तो मैं चलिए आप लोग को सबसे पहले अभी वो दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग घर बैठे बैठे मोबाइल फोन की मदद से अपने बैंक अकाउंट का जो है केवाईसी करवा सकते हो। कोई भी बैंक अकाउंट का केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने फोन पे किसी भी ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार पे सिंपली सर्च कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है बैंक केवाईसी। बैंक केवाईसी लिख देने के बाद आपका जो भी बैंक है, बैंक का नाम जो है यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी जो है वो लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है। तो सर्च कर देने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो वेबसाइट है सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको जो है इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक कर देने के बाद अभी आप लोग ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन री केवाईसी थ्रू वेब पोर्टल एंड यहाँ पे न्यू लिखा रहा है। तो ये जो है अभी अभी ये जो केवाईसी वाला जो अपडेट है वो आया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, करने के बाद यहाँ पे लिखा है देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो सिंपली आपको यहाँ पे दे देना है, अकाउंट नंबर दे देना है। इसके बाद नीचे जो मोबाइल नंबर है वो भी दे देना है। वो देने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा, तो आपको वो ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी को फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपका कुछ आधार कार्ड का डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा, सब कुछ आपको देना पड़ेगा, जो जो लिखा रहा है पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी चाहिए होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप लोग वो सब कुछ सबमिट कर देते हो तो आपका जो घर बैठे बैठे यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का जो केवाईसी है वो जो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैंक अकाउंट का जो है केवाईसी कर सकते हो। तो दोस्तों यही थे तीन बहुत बड़े बड़े अपडेट। तो आप लोग जो है फटाफट जाइए और 31 जून से पहले अपने इन अपडेट्स को, इन तीन अपडेट्स को जो है फटाफट कर लीजिए। अगर आप लोग इन तीन अपडेट्स को नहीं करते हो तो आपका जो है ये सारे सर्विस जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर बंद होने वाला है।